थ्री कोटे दिए हैं, लेकिन अपर कोर्ट हम लोग को पॉइंट है उसको दबा करके, तो सबसे पहले ब्लड को कंट्रोल करना है और दूसरा काम करना बंद कर देना, तो उसको चालू करने के लिए क्या कार्रवाई करेंगे। दो प्रकार की टेस्ट होती है, जो क्लिनिकल है, क्लिनिकल टेस्ट के बाद में उनके थर्ड वाला आइटम है, ये जैसे ब्लड में करने के पशुओं को लोग बांधे आ जाते हैं, वहां पर पशु बांधे हुए बहुत मारे गए थे, तो पशुओं को तुरंत को देना चाहिए। और इस प्रकार का अगर कोई बाढ़ पूर्ण एरिया है वहां पर अपने परिवार के लिए प्रयोग कर आप 5 से 6 बोतल को ले लीजिए, इस प्रकार का लाभ, बशर्ते कि कार्य बंद होना चाहिए और समान दूरी पर इस प्रकार से दोनों साइड से बांध करके इस प्रकार से काम दिया था, बशर्ते कि वो कार्य नीचे की तरफ होना चाहिए, क्योंकि आदमी अगर जाएगा तो आगे की तरफ जाएगा, तो अगर एक आध कार खुल भी जाएगा तो उसमें पानी नहीं भरेगा, पीछे को आएगा तो पानी नहीं भरेगा, आएगा तो करना नहीं, तो बेल्ट करना चाहिए, वो भी डूबने नहीं देता है। इसी प्रकार से अगला लकड़ी का या कुछ भी पट्टा हो बंबू का, इस प्रकार से बांध कर करके एक आदमी इस प्रकार से रख लेगा, तो उसको इस प्रकार से रख करके इस प्रकार से एक हाथ से ऊपर करना पड़ेगा, ऊपर लेट जाइए, एक हाथ से पकड़ रही वो भी डूबने देंगे, इस प्रकार से अपने को बचा सकते हैं। इसके अलावा जो प्लास्टिक के पेड़ होता है अपने परिवार को इस प्रकार से पी है, जो पेंट वगैरह का होता है, मतलब से इसका उपलब्ध होना चाहिए, नीचे तुमने नहीं देखा, इस प्रकार से बांध दीजिए इसको, इस प्रकार से बढ़िया से बांध लीजिए मुंह को, और ये दो लकड़ी या बंबू का इस प्रकार से लेकर करके इसको भी इस प्रकार से ले, इतना भी वजनदार आदमी रहेगा ये दुमने। देखिए रबर कोट में क्या होता है कि 8 से 10 आदमी बच जाते हैं, चारों तरफ से बाढ़ आ जाती है, कई घंटा हुई हम लोग गए हैं यहाँ पर ही तैयार कर हर जगह पर, तो ये 72 घंटा तक ये पानी में इसका गारंटी है कि अगर 72 घंटा लगा में ये पाना हुआ आदमी नहीं जाएगा, तो इसको अगर पहन कर कर मिशन अगर वो बजाएगा तो मिशन के आदमी दिखा देगा कि हाँ सोच तो आपके जा रहा है, तो मैं इंस्पेक्टर मोहनलाल फ्रॉम 6 NDRF, हमारा बटालियन का हेडक्वार्टर गांधीनगर में है, और यहाँ पे मतलब जूनागढ़ अमरेली ये दो डिस्ट्रिक्टों में एक महीने का प्रोग्राम टोटल 30 दिन का, जिसमें हमारा आज जूनागढ़ का पहला दिन है, ये 15 दिन का प्रोग्राम है, आज 21 तारीख से लेके और 6 मई तक यहाँ पे हम प्रोग्राम करेंगे, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम जन जागरूकता अभियान, और रोज़ाना एक या दो जगह पे हम ऐसा प्रोग्राम दिखाएंगे जिसमें पब्लिक को अवेयर करेंगे कि भूकंप आ गया तो हमें कैसे बचना है, या फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया तो किस प्रकार से बचना है, या कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गया उसके अंदर में कोई व्यक्ति दब गया उसको किस प्रकार से हम निकालेंगे या कैसे सर्च करेंगे, इसके बारे में हमें अवेयर करना है, या कहीं पर कोई भी फैक्ट्री है या कोई गैस लीकेज हो गया या कोई टैंकर या कोई टैंकर पलट गया या आग लग गया उसमें हम किस प्रकार से रेस्क्यू करेंगे, इसके बारे में हम कंटिन्यू रोज़ाना हर एक स्कूल या कॉलेज या किसी में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या मंदिर वहाँ पे पब्लिक को इकट्ठा करके और आपदा से बचने के तरीके बताएंगे। ये हमारा 15 दिन का यहाँ का शेड्यूल है जूनागढ़ का। मैं सब इंस्पेक्टर जनार्दन 6 NDRF गांधीनगर से यह टीम आई हुई है, यह इस टीम का काम है कि हमें यहाँ पर फेमिलराइजेशन प्रोग्राम करना है, लोगों को जागरूक करना है कि कोई भी डिजास्टर आने पर हम किस प्रकार से अपने आप को बचा सकते हैं चाहे दूसरे को भी सहयोग दे सकते हैं। इसमें हम कई प्रकार के जो डिजास्टर हैं जैसे अर्थक्वेक हुआ, आग लग गई तो किस प्रकार से हमको बचना है, और फ्लड आ गया तो किस प्रकार से हम बचना है, इम्प्रोवाइज राफ्ट बनाते हैं जो घरेलू संसाधनों से राफ्ट बना करके हम किस प्रकार से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं, ये बताना है कि ताकि लोगों को में एक जागरूक पैदा हो कि हाँ हम किस प्रकार से बच सकते हैं, अगर कोई कोलैप्स स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग ध्वस्त है, तो उस प्रकार से हम किस प्रकार से लोगों को बाहर निकालेंगे और उसको किस प्रकार से हम मेडिकल प्रोवाइड करेंगे। होता है ना कि कभी कभी ये अगर मेडिकल जल्दी से जल्दी मेडिकल सुविधा ना दिया जाए, फर्स्ट ईयर ना दिया जाए तो लोगों को कैजुअल्टी हो सकती है, तो उसके लिए हम किस प्रकार से बाहर निकालेंगे, उसको किस प्रकार से स्टेबल करेंगे और आगे हॉस्पिटल को भेजेंगे, इस प्रकार की हम लोगों को जानकारियाँ देते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। NDRF द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट अन्वय 1 महीना माटे प्रोग्राम आयोजित करवामां आवी रह्यो छे। गई काले डिजास्टर डे हतो, एना अनुसंधानमां आ प्रोग्राम चालू करवामां आव्यो छे। आजे आ प्रोग्रामनी रजूआत
GMERS મેડિકલ કોલેજ જૂનાગઢ મુકામે કરવામાં આવી. તેમાં મેડિકલ સ્ટુડન્ટોએ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો છે અને ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટની ઘણી બધી નવી નવી તકનીકો જાણવા મળી છે અને એનાથી મેડિકલના વિદ્યાર્થીઓનું નોલેજ પણ વધ્યું છે. અને આ પ્રોગ્રામ ખરેખર જે લોકો આપી રહ્યા છે એની સ્કિલની પણ અમને આજે ખબર પડી અને એ આખે આખો પ્રોગ્રામ એ સમાજ ઉપયોગી છે અને આનું અન્ય અનેક જગ્યાએ થવાનો છે પ્રોગ્રામ. તો અમે આ પ્રોગ્રામને શુભેચ્છા આપીએ છીએ અને અમે આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ.